दोस्तों, भूवी ऑर्गेनिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एल्युमिनियम फूड रैपिंग जो हम यूज़ करते हैं उसके बारे में। दोस्तों, खाना गर्म और नरम हर किसी को अच्छा लगता है, और उसके लिए जब भी हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, जब भी हम खाने को पैक करने के बारे में बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही ऑप्शन आता है कि एल्युमिनियम फॉइल पेपर। लेकिन क्या हम कहीं ना कहीं हम नहीं जानते हैं कि जो एल्युमिनियम फॉइल पेपर हम यूज़ कर रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पे क्या हो रहे हैं, वो किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचा रहा है, और उसका अगर हम एल्युमिनियम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसके अलावा हम क्या यूज़ करें उसके बारे में भी हमें जो है नहीं पता होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको पहले एल्युमिनियम से होने वाले नुकसान के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में उसका रिप्लेसमेंट आप किस चीज़ से कर सकते हैं, बेटर ऑप्शन आपके पास में फूड रैपिंग के लिए क्या है, तो उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हम गरम गरम खाना जो एल्युमिनियम में पैक कर देते हैं, चाहे रोटी है, पराठा है, बर्गर है, कुछ भी चीज़ है, माइक्रोवेव में एल्युमिनियम यूज़ करते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे नुकसान होता है, क्योंकि जब एल्युमिनियम हीट के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो मेल्ट होता है और हमारे खाने में जो है मिक्स हो जाता है। और अगर हमारी बॉडी में एल्युमिनियम की मात्रा, जैसे हम रोज अगर एल्युमिनियम में खाना पैक करके लेकर जा रहे हैं या खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में एल्युमिनियम की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो हमें कैंसर तक की बड़ी बीमारियां कर सकता है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा डेली एल्युमिनियम फॉइल पेपर का यूज़ कर रहे हैं गर्म खाने के लिए, तो वो आपको अल्जाइमर जैसी बीमारियां कर सकता है, पागलपन जैसी बीमारियां कर सकता है, क्योंकि दिमाग की जो ग्रोथ सेल्स की ग्रोथ होती है उन्हें रोक देता है अगर आपकी बॉडी में एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा हड्डियों की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो सकती है, बोन्स वीक हो जाएंगी, घुटने के दर्द की प्रॉब्लम, या जो आपकी हड्डियों में जकड़न टाइप से रहने लगती है वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, गुर्दों से संबंधित प्रॉब्लम आपको इससे हो सकती है, और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को भी ये दिन प्रतिदिन कम करता चला जाएगा अगर आप लगातार एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ कर रहे हैं गर्म खाने के लिए। तो दोस्तों, हमें खाने के लिए एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ नहीं करना है। अगर हम कोई ठंडी चीज़ एल्युमिनियम फॉइल में पैक कर रहे हैं तो वो हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन गर्म चीज़ अगर एल्युमिनियम में हम पैक कर रहे हैं तो वो खाने को हमारे जहर में बदल देती है, वो खाना हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं रहता। इसकी बहुत सारी रिसर्च हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो गूगल पे डले हुए हैं, आप वहाँ पे देख के इसके बारे में और ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक रिप्लेसमेंट बताता हूँ कि अगर आप एल्युमिनियम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फूड रैपिंग के लिए आप क्या चीज़ यूज़ करेंगे। वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, यहाँ पे आपको इस तरह की काफ़ी वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि एल्युमिनियम फॉइल पेपर का रिप्लेसमेंट क्या है। तो दोस्तों, ये वो प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जो आपको एल्युमिनियम से होने वाले साइड इफेक्ट से बचा सकता है। इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके जो एडवांटेज, इसके फायदे क्या क्या हैं। अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले ये बायोडिग्रेडेबल है, पीथेबल है, प्लास्टिक, एल्युमिनियम फ्री है, मल्टी यूटिलिटी है, आपके फूड को जो है बिल्कुल फ्रेश रखने में मदद करता है। तो इसके और भी बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं दोस्तों, मैं आपको इसके कुछ और दिखाता हूँ। इसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड है, माइक्रोवेव में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, मॉइस्चर को आपके खाने के बैलेंस रखेगा, रिसाइकलेबल है, ग्रीस रेजिस्टेंस है, कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता, और प्लास्टिक एल्युमिनियम फ्री है। आप अगर इस पर देख रहे होंगे, इस पर लिखा हुआ है 100% ऑर्गेनिक पेपर। ये एक पेपर है दोस्तों जो कि आपका लकड़ी से बना हुआ है, इसमें कोई भी प्लास्टिक या एल्युमिनियम यूज़ नहीं किया गया है। आप रोटी, पराठा, सैंडविच, बर्गर, ये सब जो इसे पैक करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और आपके लिए और बच्चों के लिए 100% सेफ ऑप्शन है। माइक्रोवेव में भी यूज़ करेंगे, हीट के कॉन्टैक्ट में आएगा, आपके खाने के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने घर में एल्युमिनियम फॉइल पेपर यूज़ करना बंद करें, जो बिन बुलाए बीमारियाँ हैं उन्हें अपने घर में लाना बंद करें, और ये इतना अच्छा ऑप्शन अगर हमारे पास में आया है तो इसे इस्तेमाल करना शुरू करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको प्रोडक्ट ये बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि एक अच्छा प्रोडक्ट है और हमारे डेली बेसिस डेली यूज़ में आने वाला प्रोडक्ट है, जो हमें सेफ भी रख सकता है और हमारी ज़रूरत को भी पूरा कर सकता है। तो दोस्तों, ऑर्डर करने के लिए नीचे आपको नंबर दिख रहा है, आप जो है व्हाट्सअप पे या कॉल के थ्रू हमें ऑर्डर कर सकते हैं, और इस तरह की और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल पर आकर हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।